हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। कल मैंने जिस टॉपिक पे बात की थी वो दो महाशक्तियों का मिलन यानी इन लोगों की शादी के बारे में, सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में बात की थी कि जो है उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद अब वो घर मतलब अपने घर ले आए। घर ले आने के बाद फिर उनकी जो ज़िंदगी में क्या 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 चीज़ें, किस तरह से उन्होंने घर को बहुत अच्छे से जो है अच्छे से मैनेज किया हुआ है, यानी सावित्री बचपन से। देखिए यहाँ पे आप ये हरी इस जो पॉइंट है बड़ा इम्पॉर्टेंट है आजकल के हमारे समाज के लिए, जो हमारे घरों में जो बच्चियाँ हैं उनके लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही अहम चीज़ है जिसको हमें आप बहुत अच्छे से सुनना होगा और बहुत अच्छे से जानना होगा। तभी जो टॉपिक है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, उस टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक क्या है, कुशल गृहिणी। कुशल गृहिणी मतलब घर के कामकाज में बड़ा सहयोग देती थी, यानी सावित्री बचपन से ही बहुत ही मेहनती रहती थी। यानी सावित्री, देखते जाइए साथियों कि यहाँ पे सावित्री बाई फुले के बारे में जो बातचीत हो रही है कि बताया जा रहा है कि सावित्री बाई फुले बहुत ही घर में बहुत ही मेहनती थी। रसोई में अपनी माँ की सहायता करने में उन्हें कभी भी किसी प्रकार की आनाकानी नहीं की। आज क्या है, हमारे घर की बच्चियाँ क्या करती हैं, अगर उनकी माँ जरा सा कुछ कहती हैं कि बेटा ये काम आप कर दीजिए, तो होता क्या है वो तुरंत जो है बाद में जवाब दे देती हैं और आनाकानी करने लगती हैं। इससे क्या होता है, एक तो वो सारी चीज़ों को माँ से धीरे धीरे दूर होती चली जाती हैं, फिर गलत राह पे भी। गलत राह का मतलब ये है कि वो फिर ना तो वो ढंग से पढ़ाई करती हैं, फिर ना तो ढंग से वो काम करती हैं, बस फिर मतलब इनके दिलों में जिस तरह की जो बातें आ जाती हैं वो गलत तरीके से आने लगती हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे सावित्री फुले हम लोग को मैसेज भी दे रही हैं। मैसेज क्या दे, रसोई में अपनी माँ की सहायता करने में वे उन्हें कभी भी आनाकानी नहीं की। आज के हमारे घर की बहू बेटियों को क्या करना चाहिए, वह बेटियों को चाहिए कि वो कम से कम घर में पढ़ाई करें तो पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद जो भी वक्त उन्हें मिले वो अपनी माँ के पास बैठें, माँ से अच्छी अच्छी बातें सीखें, माँ से ये सीखें कि माँ हमें ये बताए कि ये जो है स्वेटर कैसे बनाया जाता है, अगर हम खाना बनाना सीखना चाहते हैं तो खाना किस तरह बनाया जाएगा हमें बताइए, जब वो खाना बनाएं तो कम से कम आधा घंटा दें माँ के पास बैठ के कि ये माँ किस तरह से खाना बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आप सीख सकेंगे और आपकी ज़िंदगी में फिर आप अपनी पीढ़ी को सिखा सकेंगे, जिससे आपकी जो पीढ़ी है उसमें बदलाव आएगा, एक सिस्टमेटिक तरीका सीख जाएंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हर एक पॉइंट को आप लोग बारीकी से सुनते जाइए और बारीकी से समझते जाइए। तो देखिए, जब वो काम के प्रति हमेशा उत्साह से भरी रहती थी, हमेशा काम करने में कभी वो झिझक महसूस नहीं करती। साथियों बिल्कुल झिझक नहीं महसूस करती। जब ससुराल में सावित्री बाई फुले थी उनका जब आगमन हुआ, यानी वो ससुराल गई, उस समय पति ज्योतिबा खेती करते थे, यानी पति जो थे उनके ज्योतिबा फुले वो खेती करते थे, यानी फूलों की खेती उनके वहाँ होती थी। उनके पास कई एकड़ जमीन थी जिसमें फूलों की खेती होती थी। उनके खेतों में जड़ी यानी जूही, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, गुड़हल, गुलदावती, ये इस तरह के फूलों की खेती हुआ करती थी। तो उनकी समय समय पर सिंचाई और बाद में खाद और एवं बहुत सारी चीज़ें, छिड़काव, इस तरह चीज़ें करते रहते थे। तो ज्योतिबा इन कामों में बहुत ज़्यादा कुशल मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से खेती करते थे। उनका यही प्रयास रहता था कि फूलों की अधिक से अधिक पैदावार की जाए, यानी वो यही प्रयास करते थे कि फूलों की अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बढ़ा सकें। उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले घर बाहर के सभी कामों में निपुण थी। निपुण मतलब बहुत अच्छी थी, यानी घर घर के भी अच्छे से काम निपटा लेती थी, बहुत अच्छे से करती थी, खाना पकाना हो या घर के दूसरे काम करना हो, जो भी काम थी वो बहुत अच्छे अंदाज में करती थी। लेकिन बाहर के भी जो काम होते थे वो भी बहुत अच्छे प्यारे अंदाज में करती थी साथियों, बहुत प्यारे अंदाज में करती थी। तो खेत खलिहान के कामों बिना किसी आदेश के लिए सावित्री बड़ी कुशलता से काम करती थी, यानी खेतों में भी जाके काम कर लिया करती थी। मतलब उनके अंदर किसी तरह का ये नहीं था कि नहीं मैं खेत में काम करने जाऊंगी तो ये हो जाएगा, मतलब इस तरह के दिमाग में उनके किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं चलती थी और वो हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। हमें भी चाहिए, हमारे घर के बच्चों को चाहिए कि हर काम में वो बढ़ चढ़ कर ही हिस्सा लें। वह पाक कला में, पाक कला मतलब यानी खाना पकाने कला में बड़ी निपुण थी।
यानी खाना पकाने की कला में वो निपुण थी। तरह तरह के व्यंजन बनाने बड़ा आनंद आता था, यानी जो अच्छे अच्छे व्यंजन यानी जिस अच्छे अच्छे खाने बनाए जा सकें इसमें उनको बड़ा मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि वो कोई सोचा हुआ व्यंजन बनाते से बिगड़ जाता तो उनका स्वाद बदल जाता। यानी ये देखिए यहाँ पे साथे देखिए क्या है, यानी स्वाद से जब स्वाद चेंज जाता ऐसे में खाना खाने वाले जो पूछते यानी जो खाना खा रहे होते पूछते कि अरे सावित्री बाद या क्या बना दिया, तब सावित्री बाई मुस्कुराती हुई कहती इसका नाम है स्वाद बदल यादगार व्यंजन। यानी क्या करती मतलब बड़े प्यारे अंदाज में लोगों को जवाब देती साथियों, बड़े प्यारे अंदाज में। यानी खाना जब अगर जरा सा भी गड़बड़ हो जाता तो बड़े प्यारे अंदाज में यानी बड़े प्यारे अंदाज में आप जवाब देती कि स्वाद बदल यादगार बन गया। यानी क्या है कि स्वाद बदल गया उसकी याद में ये व्यंजन बन गया। फिर घर का माहौल बड़ा ही सकारात्मक था, बहुत अच्छा माहौल था, इसलिए सभी लोग इस बात पर ठहाके लाकर हंसने लगे। यानी एक बहुत वहाँ पे एक तरह से एक हंसी वाला माहौल पैदा हो गया। देखिए साथियों यहाँ पे हर एक पॉइंट को आप बड़ी ध्यान से सुनते जाइए जिससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। कब काफ़ी बदलाव आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप हर चीज़ में करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं साथियों, अग्रसर हो सकते हैं। तो ठाके सुगड़ा फिर इसी यहीं पे सगुड़ा बाई के साथ घर का काम निपटाने के बाद वह खेतों में काम में मदद करती थी। यानी देखिए यहाँ पे यानी घर का भी काम करती थी और घर का काम करने के बाद वो साथियों खेतों में भी काम करने जाती थी, खेतों में भी जो दीवारों को लेकर मदद करती थी साथियों, मदद करती थी। पति वो ज्योतिबा फुले को खेतन पर भोजन वहीं ले जाया करती। इतनी कम उम्र में ऐसी गुड़ी बहू पाकर गोविंद राव फुले बहुत ही खुश थे, बहुत ही खुश थे साथियों कि बहुत इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ साथियों देखिए बड़े पॉइंटेबल बात है, इस इतनी छोटी उम्र में इस तरह की जो है गुड़ इनके अंदर गुड़ थे साथियों, इस तरह के गुड़ थे। आज हम हमारे घर में अगर बच्चे जो बिगड़ रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी शिक्षाओं की कमी है, हमारी शिक्षाओं की कमी है। हमने अपने महापुरुषों के वाक्यात और उनके अपने महापुरुषों के इतिहास के बारे में नहीं बताया जिसके कारण आज हमारे घर के बच्चे जो है बिल्कुल सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं हैं। हमें चाहिए कि कम से कम हमें अपने महापुरुष और जो भी लोग थे जिन्होंने इतिहास में नाम रोशन किया है कम से कम उनका जो है यानी उनकी जीवनी हमें बतानी चाहिए। रोज़ सारे फैमिली को बैठकर यानी सारी एक वक्त हमें तय कर लेना चाहिए कि सारे लोग एक जगह बैठकर जो है उन हमारे अपने महापुरुष के बारे में यानी अच्छी अच्छी बातें जो है हमें बतानी चाहिए अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, जिससे क्या होगा समाज में यानी हमारे समाज में भी चेंजेस आ गया। यानी समाज में कैसे चेंजेस, जब बच्चे घर से बाहर निकलेंगे तो बदलाव आएगा, इसी तरह से हमें धीरे धीरे करके हमारे घर में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा, जब आप इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे साथियों, बनाने की कोशिश करेंगे। तो कम से कम हमें चाहिए कि घर में कम से कम आधा घंटा देकर शाम को सारे लोग खाना खाने के बाद बैठें और खाना खाने के बाद बैठने के बाद इन टॉपिक्स के बारे में यानी अपने महापुरुषों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाए, जिससे क्या होगा हमारे घर के जितने भी लोग हैं कम से कम ये तो जानेंगे हमारे महापुरुषों ने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें की, जिससे कि हमारे समाज में यानी हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा, बदलाव आना शुरू हो जाएगा शांति। तो यानी इसलिए और लेकिन सोचते हैं यह तो बहू तो उनके लिए घर के लिए वरदान बनकर आई है। देखिए कितनी छोटी उम्र में कि लोगों का दिल किस तरह से जीत लिया है, छोटी सी उम्र में साथियों, छोटी सी उम्र में। तो हमें हर एक पॉइंट को क्या करना चाहिए, हर एक पॉइंट को हमें बस इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि जब जैसे जैसे हमें जब हम सारी चीज़ों को अच्छे से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे साथियों, तभी बदलाव आएगा, वरना बदलाव नहीं आएगा साथियों। तो यानी क्योंकि ज्योतिबा फुले ऐसी पत्नी पाकर बड़े खुश थे, यानी इस तरह के हमारे घर की बहु बेटियों को होना चाहिए जिससे कि जो है आदमी उनका बहुत खुश हो जाए और समाज में यानी घर में बदलाव आए, जिससे एक समाज में नई जागृति उत्पन्न हो सके। तो यानी इनके बिना यानी सावित्री बाई ज्योतिबा फुले थे, सावित्री बाई के बिना घर की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। मतलब इस तरह की थी उनकी बहू यानी ज्योतिबा राव फुले, जो ज्योतिबा राव फुले की जो बेटी बीवी थी वो इस तरह की थी, गोविंद राव फुले की बहू ऐसी थी। जो उनके पिता अब तो यह घर नहीं लगता था, मतलब घर नहीं मतलब बहुत अच्छा खूबसूरत सा माहौल बन चुका था घर के अंदर।
देखो देखिए साथियों, मैंने जो यहाँ पे जो सावित्री बाई फुले के बारे में जो भी बात बताई है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको आप लोग सुनते जाइए, और धीरे धीरे अब जैसे जैसे एक कहानी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे इस कहानी में आगे बढ़ना हो रहा है, उसी तरह से रोचकता और हम और सावित्री फुले के बारे में अच्छे से जानते जा रहे हैं। तो हमें कम से कम इतना करना चाहिए कि हमें हर एक पॉइंट को हमें अपने घरों में आधा घंटा कम से कम बैठकर अपने महापुरुषों के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताना चाहिए, तभी हम बदलाव ला सकते हैं, तभी हम अपने घर को, अपने समाज को, अपने आसपास पड़ोस को सही कर सकते हैं। साथियों, सही कर सकते हैं। आज हमारे घरों में क्या है कि हमारे घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम सीरियल्स को देखते हैं, और सीरियल्स को देखने के बाद वही चीज़ घर पर अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, घर में तनाव पैदा होता है, और घर में जो खुशी का माहौल होना चाहिए वो दुख में बदल जाता है। साथियों, मैं इस चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम आधे घंटे बैठकर, बहुत वक्त नहीं बता रहा हूँ, आधा घंटा बैठकर अगर अपने महापुरुषों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके जीवन के बारे में, किस किस तरह से जीवन को उन्होंने फेस किया, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि बदलाव आएगा। एक वक्त के बाद चेंजेस आएंगे, साथियों आएंगे। आप कोशिश करें, जब कोशिश करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। कहावत है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, यानी कोशिश करने जो करता रहता है, निरंतर चलता रहता है, तो वो एक दिन जो है आपके अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। साथियों, मंजिल पे पहुंच जाता है। मैं एक कहानी सुनाकर आप लोगों को इस चैप्टर का जो है, मैं जो नहीं है तुम्हारा जो यानी जो जो ज्योतिबा सावित्री बाई फुले थी, वो कुशल गृहिणी जो है एक एपिसोड जो अभी बना रहा हूँ उसको ख़त्म करूँगा। तो एक मैं बहुत पुराना, पहले ज़माने में मैंने बहुत टाइम पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में एक कहानी थी खरगोश और कछुए की। ये सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने सामने सुना होगा। तो खरगोश क्या था, खरगोश तेज दौड़ता था। फिर एक दिन दोनों, यानी कछुआ और खरगोश, दोनों दोस्त थे, और उन दोनों में शर्त लगी कि कौन रेस पहले जीतेगा। इस शर्त के तहत एक दिन तय किया गया उस दिन ये जो है रेस मतलब कंडक्ट की जाएगी, या जो है क्या कह मतलब जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा जो है। तो उन लोगों ने जब ये सारी चीज़ें की, उससे बात करने के बाद क्या हुआ, तो धीरे धीरे करके भाई अब ये जब रेस मतलब जो रेस थी उन दोनों में तय की गई है, और दोनों ने रेस करना शुरू किया। तो खरगोश क्योंकि बहुत तेज़ दौड़ता था, कछुआ बहुत स्लो चलता था, लेकिन क्या हुआ, कछुआ जो था वो धीरे धीरे निरंतर चलता रहा, खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा और बहुत आगे निकल गया। आगे निकलने के बाद उसने सोचा कि अब कछुआ तो भाई बहुत पीछे है, अभी बहुत टाइम लगेगा उसको आने में, कम से कम मुझे हमें एक नींद ले लेनी चाहिए। इस चक्कर में उसने वो नींद लेना शुरू किया और वो सो गया, और धीरे धीरे वो बहुत गहरी नींद में सो गया। तो कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, और वो अपनी मंजिल पर पहुँच गया, और खरगोश सोता रह गया। तो हमें भी कछुए की तरह धीरे धीरे यानी कंटिन्यू चलते रहना है, रुकना नहीं है। अगर हम यानी खरगोश की तरह दौड़ेंगे और उसके बाद एक वक्त के बाद हम रुक जाएंगे, तो कभी भी हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। यही बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताई थी, यही बात जितने भी महापुरुष गुजरे हैं सभी महापुरुषों ने हमें यही शिक्षा दी है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। साथियों, चलते रहना चाहिए। तो और आप हमारे अब जो कल अगला एपिसोड होगा वो होगा सावित्री के शिक्षा गुरु ज्योतिबा फुले। तो अब आगे का जो एपिसोड होगा बहुत धीरे धीरे इसमें रोचकता और इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। आप लोग लगातार हमारे चैनल साथ बने रहें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मतलब हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। और जो भी लोग हमारे वीडियो चैनल को देख रहे हैं, वो लोग जो भी मैं पॉइंट बताते जा रहा हूँ, कम से कम वो नोट करते जाएँ, जिससे उनके घर में काफ़ी बदलाव होता जाएगा। धीरे धीरे करेंगे तो ही बदलाव होगा, एकदम से करने की कोशिश करेंगे तो कभी बदलाव नहीं होता है। तो जैसे कि एक मिसाल देकर अपनी पूरी बात ख़त्म करूँगा, और इस चैप्टर को पूरा इस जो है एपिसोड को मैं कंप्लीट कर दूँगा। तो
तो जैसे कि एक सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी को अगर हमें उसे टेढ़ा करना होता है तो हम एकदम से करेंगे तो सूखी लकड़ी क्या हो जाती है, वो टूट जाती है। उसी तरह से हमारा फैमिली होता है, यानी वो एक वक्त क्योंकि बहुत वक्त से वो सूख रहा था और सूखते सूखते इतना ज़्यादा सूख गया कि अब उसे टेढ़ा करना आसान नहीं है, यानी सही रास्ते पर लाना आसान नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें धीरे धीरे करके उसको मोड़ेंगे तभी वो एक धनुष का आकार हम धनुष आसानी से बना सकते हैं, यानी अपने घर को आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर हम एकदम से कोशिश करेंगे तो एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है साथियों, नहीं होती है। तो हमें धीरे धीरे लगातार चलना है और जिससे हमें मंजिल आसानी से मिल सकेगी साथियों। थैंक यू।